को जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। सुरेंद्र चौधरी बहुत बड़ा हिंदू चेहरा माने जाने वाले सुरेंद्र चौधरी काफी देर पहले ही पीडीपी का दामन जो थे छोड़ चुके थे, पर अब कहीं ना कहीं अटकलें ये लगाई जा रही थी कि क्या आने वाले समय में वो इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं या किसी ना किसी पार्टी का सहारा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वहां के लोगों का यही कहना था कि इंडिपेंडेंट खड़े होइए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दीजिए जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ दे सके। और सुरेंद्र चौधरी की बात अगर करने की कोशिश की जाए तो वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी मेरे लोगों का फैसला होगा वही मेरा अंतिम फैसला होगा। पर अब अटकलें कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि बहुत जल्द सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं XMLC सुरेंद्र चौधरी। जरा उनके बारे में ये वीडियो जरा सुनिए, उसके बाद में बातचीत करते हैं। सुरेंद्र चौधरी रजौरी पुंछ के मास लीडर रही हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत 1995 की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की एजुटेशन से की। 2008 में पहली बार असेंबली इलेक्शन में चुनाव लड़ा और रनर अप रहे, जहां 2014 में मोदी वेव थी, भाजपा के उम्मीदवारों का जीतना तय था, वहां 28,000 लोगों का दिल जीता। BDC DDC चुनाव के चेयरमैन इलेक्शन में भी चुनाव जितवाने में उनका एक अहम योगदान रहा। वहीं अगर बात की जाए खुद तो वो MLC के तौर पर भी सामने आए ताकि लोगों की बातों पर खरा उतर सके। इसके साथ साथ में PDP को इतने साल देने के बाद भी इसके बहुत बड़ी बड़ी पदवियां जैसे कि जनरल सेक्रेटरी, मेंबर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर रहने के बाद भी उन्होंने PDP से रिजाइन कर दिया। जब हमने सुरेंद्र चौधरी से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मास लीडर की कदर अभी नहीं हो पा रही है, PDP में मास लीडर को भी सपोर्ट जो है वो नहीं किया जा रहा है। बताते चलें कि मिस्टर चौधरी जट समुदाय की बात या किसानों की बात हो भरपूर उठाई है, इसके साथ साथ जट लोगों की जो रिजर्वेशन की बात है उन्होंने उस चीज को भी काफी ज्यादा उठाया है। ट्रेडर यूनियन लीडर भी रहे हैं। कोशिश के हवाले से जिस तरह से खबर आ रही है कि बीजेपी में जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी को जल्द ज्वाइन कर सकते हैं सुरेंद्र चौधरी, पर यह आखिरकार कब होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि ये समय के गर्भ में ही छिपा हुआ है। पर जब भी होंगे अब तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर दी जाएगी। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और वीजी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।